आज हम अपने ब्लड ग्रुप्स की आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी के बारे में जानेंगे। ये है रोहन, उसका एक्सीडेंट हो गया है इसलिए उसे तुरंत खून की जरूरत है। हालांकि उसका पूरा परिवार उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो अपने परिवार के केवल एक ही सदस्य से खून यानी ब्लड ले सकता है। लेकिन ऐसा क्यों है? इसका जवाब ब्लड ग्रुप्स की हेरिडिटी से जुड़ा है। हेरिडिटी का विषय काफी पेचीदा है और इसका संयोग यानी कि चांस के साथ काफी करीबी रिश्ता है, और इसीलिए हम यहाँ सिर्फ कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पर ही फोकस करेंगे। रोहन और उनके भाई रोहित के फीचर्स उन्हें उनके माता पिता से मिले जीन्स की देन है। जीन्स के अंदर वो सारे आनुवांशिक गुण या ट्रेट्स होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि दोनों भाई कैसे दिखेंगे। हालांकि माता पिता अपने सभी बच्चों को एक ही संख्या में अपने ये ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रदान करते हैं, लेकिन इन कैरेक्टरिस्टिक्स की स्ट्रेंथ हर बच्चे को अलग अलग तरह से प्राप्त होती है, जो कि उनकी शारीरिक बनावट में दिखाई देती है। ये इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन के विभिन्न मिश्रणों का ही कमाल है कि रोहन अपनी माँ की तरह देखता है, जबकि रोहित के फीचर्स अपने पिता से ज्यादा मेल खाते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जो दोनों में कॉमन है, दोनों की आंखों का रंग भूरा है। इसका कारण है डोमिनेंट और रेसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न, मतलब ये कि उनके पिता की आंख का डोमिनेंट भूरा रंग उनकी माँ के रेसेसिव नीले रंग की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली यानी कि स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए दोनों की आंखें भूरी हैं। तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए जब हम ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं, लेकिन ये इतना सरल भी नहीं है। चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ब्लड मेनली चार तरह का होता है, ए बी ओ और ए बी। ये सभी लेटर्स रेड ब्लड सेल्स के एंटीजेंस को दर्शाते हैं। ये हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं, जो हमें कई बीमारियों से बचाती हैं। हम सभी में दो एंटीजेंस होते हैं, लेकिन अपने बच्चों को हम केवल एक ही एंटीजन देते हैं, जो कि चांस यानी संयोग पर निर्भर करता है। ए और बी टाइप के ब्लड सेल्स ओ टाइप से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, इसलिए जब हेरिडिटी की बात आती है तो वो ओ ब्लड टाइप पर हावी हो जाते हैं। इसलिए अगर दोनों माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ है तो सिर्फ इसी केस में उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। ए और बी ग्रुप समान रूप से मजबूत होते हैं। अगर वे दोनों इनहेरिट होते हैं तो बच्चे के ब्लड ग्रुप को ए बी कहा जाता है। लेकिन इसका रोहन के रक्तदान से क्या लेना देना है? रोहन के शरीर की रक्षा प्रणाली हमेशा बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहती है, इसलिए रक्तदान के समय ये चेक करना बहुत जरूरी है कि कौन से एंटीजेंस ब्लड में ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर गलत टाइप का खून ट्रांसफर होता है तो वो शरीर द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जान भी जा सकती है। तो परिवार का कौन सा सदस्य रोहन के काम आ सकता है? रोहन का ब्लड ग्रुप ए है, उसके शरीर की रक्षा प्रणाली एंटीजन बी को रिजेक्ट कर देगी, इसलिए रोहन की मां और भाई दोनों ही उसे रक्तदान नहीं कर सकते। उसकी मां का ब्लड ग्रुप ए बी है और भाई का बी, लेकिन रोहन के पिता का ब्लड ग्रुप ओ है। हालांकि उसकी मां के ए बी ब्लड टाइप की तुलना में यह रिसेसिव ब्लड टाइप है, लेकिन इसके कई और महत्वपूर्ण फायदे हैं। इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए रोहन के पिता एक यूनिवर्सल डोनर हैं और उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन के काम आ सकता है। रोहन अब जल्दी ही ठीक हो जाएगा।